हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा गुड मॉर्निंग थोड़ा जल्दी मॉर्निंग हो गया है क्योंकि आज है संक्रांति। तो आप सभी लोगों को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसे हम मकर संक्रांति बोलते हैं, कोई पोंगल बोलते हैं। तो ये फेस्टिवल में आप सभी लोगों को पता है, घर में तो पूजा होती है, उसके साथ साथ जो काइट्स का जो कॉम्पिटिशन होता है, काइट्स उड़ाते हैं, तो स्पेशली ये डे में ज़्यादा उड़ाते हैं, तो वो आज है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज संक्रांति है, तो हमारे घर में पूजा होने वाली है। तो संक्रांति में घर में सबके घर में डिफरेंट पूजा होता है। तो हमारे घर में क्या होता है ना, संक्रांति में हमारे जो फोर फादर्स हैं, जैसे कि मेरे दादाजी हैं, उनके पापा हैं, वैसे पर दादाजी, उन सभी को ना हम लोग खाना जो भोग होता है ना, जो स्पेशल आइटम्स बनाते हैं और उनको भोग चढ़ाते हैं और उनको याद करते हैं, तो उनकी पूजा होती है, तो वैसे हम आज मनाते हैं। तो यहाँ हमारे खाने की प्रिपरेशन चल रही है, तो हमने यहाँ पे मम्मी हमारी बना रही है, तो यहाँ हमारी वड़ा बन गई है और थोड़े हैं तो वो भी बन जाएंगे अभी। तो फेस्टिवल्स में हम दोनों जल्दी उठते हैं, मैं तो इतना जल्दी उठती नहीं हूँ, पर फेस्टिवल्स में मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ मुश्किल से। तो मम्मी तो जल्दी उठती हैं 3:30-4 बजे ऐसे, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ वड़ा भी बन गई है और यहाँ पे हमारी एक स्वीट डिश है ये वाला, मैंने इसका रेसिपी आपके साथ शेयर किया था मेरे जो पुराने वीडियोज़ में, तो आप देख सकते हैं। बार बार रिपीट करना बोर लगेगा आपको सुनने में कि बार बार वही रेसिपी बताती हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बस दिखा रही हूँ। तो यहाँ हमारे बन गए हैं, 2 आइटम्स बन गए हैं, तो ये और थोड़े से बनने बाकी हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी बनाती है, मैं बस ऐसे खड़ी रहती हूँ, आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। बस मैं किचन में आके पोज दे देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, तो मैं दूसरे पोज भी देती हूँ, आप देख लेना देखना। तो एक्चुअली मेरा यही काम होता है, मैं जल्दी उठती हूँ, तैयार हो जाती हूँ और फोटोज़ निकालती हूँ बहुत सारे। तो यही मेरा काम होता है और मैं कुछ किए बिना ही थक जाती हूँ। तो यहाँ हमारी बन गई है खीर, तो आप देख सकते हो। मुझे तो फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं एंजॉय करती हूँ, मंदिर जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान को याद करना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। और ये हमारी सब्ज़ी भी बन गई, ये मिक्स्ड वेज सब्ज़ी है, जितने सारे वेजिटेबल्स हैं सभी को हमने मिला के सब्ज़ी बनाई है। इसका भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको पसंद आया तो। और ये हमारी दाल बन चुकी है और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे हमारी मम्मी ने बनाया है वड़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो ये भी हमारी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पे हमारी अभी पूजा की प्रिपरेशन चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग ना क्या करते हैं, भोग के साथ हम लोग जो कपड़े होते हैं, कपड़े भी उनके नाम से हम नया कपड़े लेते हैं और उनके पूजा में हम ये रखते हैं, तो ये भी हम नए सारे लेके आए हैं। और यहाँ पे पापा जब प्लेट्स लगा रहे हैं, उसमें सभी जो जो बनाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा भोग हम चढ़ा रहे हैं, पापा प्लेट में सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी भी दिया जला के रेडी कर दी है। यहाँ पे मतलब फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोटोज़ नहीं भी लगा सकते हैं, तो हम फ़ोटोज़ नहीं रखे हैं, नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बस हम ऐसे भोग चढ़ाने के बाद थोड़ी देर के लिए, 4 मिनट के लिए या 3 मिनट के बाहर चले जाते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो लोग आते हैं और जो भी खाना है आके, मतलब ऐसा कहना है, तो इसलिए हम लोग ये सब पूजा करने के बाद थोड़ी देर 3 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं बालकनी में। तो देखिए यहाँ पे सब जो भी हमने बनाया हुआ है सारा हमने प्लेट में सजा दिया है। तो पूजा होने के बाद, खाने के बाद मैं थोड़ा सा टाइड हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, फ़ोटोज़ निकाल निकाल के मैं इतना टाइड हो गई, मैं सो गई थी। अभी शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं डीमार्ट। डीमार्ट में आपको पता ही है सब सस्ते सामान मिलते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, सस्ते सामान खरीदने का शौक़ है मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉस्ट देना अच्छा नहीं लगता, जो भी कपड़े हों, जो कपड़े मतलब ज़्यादातर कपड़े नहीं, यहाँ पर डीमार्ट में ज़्यादातर जो घर की चीज़ें होती हैं वो सारे बेस्ट होते हैं, तो सस्ते
सामान मिलते हैं और ऑफ़र्स भी रहते हैं, तो मैं समझ नहीं पाती क्या लूँ क्या नहीं। तो आज शाम को खाली था तो सोचा कि आ जाएंगे एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग, मैं और मेरी बहन आ गए हैं। तो सस्ते सामान मिलते हैं पर अच्छे क्वालिटी के होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे कुछ भी दे देते हैं। तो जो कि मुझे पसंद आता है, जो हमेशा मैं प्रिफर करती हूँ यहाँ आना, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट, हम मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के भी क्या फ़ायदा है, पैसा भी इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जितना हम कम खर्चा करें उतना ही अच्छा है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर डी मार्ट प्रिफर करती हूँ। तो घर के लिए मैट्स लिया है, तो 50, 60, 70 ऐसे रेंज में है। तो मैट्स दो तीन ले लिया है, और घर में पहनने वाले जो टी शर्ट्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, वो मैं ली हूँ, और छोटे छोटे कप्स जो होते हैं वो भी दो तीन लिए हैं हम लोग, जैसे कि डेली हम यूज़ करते हैं कॉफ़ी के लिए या फिर चाय के लिए। तो वो यहाँ पे देख रही थी तो ले लिया है, और ऐसे ही कुछ भी प्लास्टिक सामान जो होता है, यहाँ पे मैट्स देखे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ऐसा लेना भी वेस्ट है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी जम जाता है और धोना बहुत मुश्किल होता है, और ये फ़र है तो निकल जाएगा। तो बस मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ। और जो बहुत सारे सामान हैं, ऐसे कर्टन्स हैं, तो कर्टन्स भी मैंने ले लिया है, मैं आपको दिखाऊँगी घर जाके। तो जो भी है, कपड़े मैं यहाँ नहीं लेती हूँ क्योंकि कपड़े टी शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं घर में पहनने के लिए, पर बाहर के लिए थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता है। बट जो भी दूसरे सामान होते हैं ना, प्लास्टिक के बॉक्सेस या फिर स्टोरेज वाला, वो सब बेस्ट होता है। तो शॉपिंग हमारी हो गई है, छोटा सा व्लॉग है, नेक्स्ट टाइम बड़ा वाला व्लॉग लगाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।